ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭੀ ਆਪਕੇ ਚੈਨਲ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੋ ਕੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਰਾਮ ਰਾਮ तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हमारी दलाल खाप 84 है इसके अंतर्गत 172 गांव आते हैं और उसका हमें एक ही प्रधान चुनते हैं। वैसे तो गांव हर एक गांव का अपना प्रधान होता है लेकिन उन सभी प्रधानों का एक प्रधान होता है जो इस दलाल खाप का हमारा प्रधान है चौधरी भूप सिंह दलाल उसका नाम है गाँव मानरोटी का है वो और ये इकट्ठा ही चल रहा है। 26 तारीख से हम यहाँ भाइयों के साथ आए थे उनको बॉर्डर से निकाल के लाए यहाँ ला के बैठाया था और सराखों पर भी बैठाया है और पंजाबी में बोलते हैं मोटा लाके मोटा खड़े हैं इनके साथ ही खड़े हैं और जब तक ये तीनों काले कानून और जो हमारी MSP की गारंटी जितने भी हैं वो हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे इधर 6 महीने लगे 1 साल लगे जितना मर्जी टाइम लग जाए। भाई अपना जो राशन लेके आए थे वो तो हमने इनसे निकलवाया भी नहीं है, हमने कहा अपना रखे रहो हम इनके साथ लंगर पानी सब कुछ इकट्ठा और साझाई कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब वालों का चूल्हा पानी और सब कुछ साझा ही चल रहा है। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप दिखा कैमरामैन को बोलिए पीछे दिखाए संजीव जी इधर दिखाओ। साझा चल रहा है चूल्हा भी रोटी पानी भी लंगर भी चाय पानी भी सब साझा चल रहा है इकट्ठा हमारा। तो दलाल खाप और पूरा हरियाणा इनके साथ तन मन धन से इनके साथ ही खड़ा हुआ है। जिहड़े पहलां दे सरकार ने कहा भी असीं 2 शर्तां मन रहे हैं बाकी तुसीं पिछे हटो उहदे बारे भी सानूं थोड़ा दस्सो। देखो बिल जो अभी बैठक हुई थी 30 तारीख को सरकार की, सरकार का वही अड़ियलपन फिर सामने आ रहा है। घुमा रही सरकार हमें यूं घुमा रही और हम सरकार को यूं घुमा रहे हैं क्योंकि बात जो स्टार्टिंग से जब से मीटिंग शुरू हुई थी तब से हमने एक ही मांग और डिमांड रखी है कि सबसे पहले तीनों काले कानून वापस करो। लेकिन सरकार बोल रही है अभी सरकार अपनी खुद की वाहवाही लूट रही है मीडिया में, जो बड़ी मीडिया है जो हमारे खिलाफ दिखा रहे हैं कभी आतंकवादी कभी खालिस्तानी जो हमें किसानों को बदनाम करने पे लगी। अरे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम हमें बदनामी का तगमा तो मत दो। वो तो सरकार से बात चल रही है देंगे तब देंगे कितना टाइम लेंगे बाद में दे देंगे या नहीं देंगे तो हम आंदोलन कर रहे हैं बैठे लेकिन हमें कम से कम ये तो हमारे पे दाग धब्बा ना लगाओ कि तुम खालिस्तानी हो या तुम आतंकवादी हो देशद्रोही हो। हम ही तो खेती करते हैं किसान हैं, मान लीजिए मेरे बाप को एक 2 बेटे हैं तो एक हमारा सरहद पे खड़ा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है। उधर सरहद से वो आ गए रिटायरमेंट या पेंशन आ गए यहाँ अपनी मांग करने लगे बैठ के किसानों की तो आतंकवादी हो गए। ये सरकारी गलत बात है। अब आते हैं आपने जो मुद्दा बताया है कि जो सरकार के साथ मीटिंग हुई थी सरकार खुद ही वाह लूट रही है मीडिया में बयान दे रही है कि हमने 2 मांगे मान ली। वो मांगे भी कौन सी हैं, एक तो मैं बताता हूँ पराली वाला है, दूसरा जो है वो है बिजली वाला। जब ये बताइए खेती नहीं रहेंगे तो इस पराली और बिजली का हम करेंगे क्या, जब खेती चले जाएंगे हमें ये दो दिखा के सरकार क्या साबित करना चाहती है कि हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो थोड़ा तुम भी हटो ताकि लोगों को ये बताएं कि हम बातचीत के लिए आगे आए थे। तो किसान और हम मूर्ख थोड़ी हैं, हम भी तो समझते हैं भाई बिजली और खेत पराली का हम करेंगे क्या, पराली और बिजली तो उसी के लिए चाहिए ना जब खेत बचे होंगे, खेती चले गए तो फिर हम करेंगे क्या उसका। तो जो अभी जो हमारी मांग है वो यूं की यूं है, सबसे पहले तीनों काले कानून वापस होंगे, MSP की गारंटी और कानूनी प्रावधान उसका किया जाए सरकार के द्वारा, यही मांग कर रहे हैं हम। अब आने वाली 4 तारीख को देखते हैं सरकार कौन सा नया तीर निकालती है या कोई नया हथकंडा अपनाती है। हमारे जो किसान नेता हैं हमारे जो आगू हैं उसके लिए भी हम रणनीति बना रहे हैं और हम तैयार बैठे सरकार चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले। एक 26 तारीख को किसानों वालों कहा जा रहा है भी अभी जी 26 जनवरी मनाई जानी है भी उद्दे 1 लाख ट्रैक्टर ट्रैलियाँ लेके असी भाग लेंगे वो तो भी सरकार थोड़ी मैं घाबरी हुई लग नज़र आ रही है। सही पूछा आपने, काफ़ी हुई क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है सबको पता है लेकिन अब की बार अभी क्लियर तो नहीं किया गया हमारे किसान नेताओं द्वारा, नहीं ऐसी कोई घोषणा की गई कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर नहीं मानेगी सरकार तो इस पर विचार करेंगे किसान नेता भी, वो जैसा हमें आदेश देंगे हम उसके लिए आगे की रणनीति बना के मीडिया के माध्यम से आपके लोगों के माध्यम से लोगों को बता देंगे अवगत करा देंगे कि आगे की रणनीति ये है। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या करती है सरकार, लेकिन हमें तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही है कि क्योंकि बातचीत जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आके रुक गई है। नहीं जे ऐसे तरह ही चली जाऊगा बार बार जी बात उत्थी आके खड़ी जाऊगी ये तो अगर फिर आप बदूंगे कि हल कि होगा इस चीज़ का।
क्योंकि मोदी साहब तो कही जाने भी बैठे रहो भावें साल बैठे रहो फिर इदा भी मन तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा। नहीं फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर सरकार बार बार हमारे किसान नेताओं को चिट्ठी भेजती है, बातचीत के लिए बुलाती है। हमारे किसान नेता चिट्ठी का जवाब दो है चिट्ठी से देते हैं, बातचीत के लिए बुलाती है तो बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये नहीं उनको उधर पाँच पाँच घंटे बैठाए रखें और बात फिर वही घुमा के ला देते हैं। पाँच पाँच घंटे बैठाते हो तो कम से कम मांग डिमांड हमारी जो हैं उनको तो मानो और माननी पड़ेगी, चाहे एक साल संघर्ष करना पड़े, चाहे दो साल करना पड़े, चाहे छः साल करना पड़े, हम तैयार हैं संघर्ष करने के लिए। 1906 में मैं बताऊं अंग्रेज़ों के टाइम में 1906 में एक आंदोलन चलाया गया था और वो 9 महीने चला था पूरा, उसमें उस टाइम भी किसान की जीत हुई थी और आज भी बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ किसान की यहाँ से जीत होगी और जीत के ही जाएगा। लो जी हूँ जोड़ा मसला अड़ चुके हैं भी किसान भी कहें असी बिल कैंसल करा के ही हटना है, क्योंकि कैंसल कराए बिना किसान भी कहें भी असी इस बार्डर तो नहीं छड़ना।